ये देखिए, ये है सिलेंडर पिस्टन सेट है, 190 का RS गोल्ड का है। तो और ये है गैस्केट, और ये है CR बुश, और ये है कनेक्टिंग बुश, जो पिन बुश है वो ढीला है, इसलिए ये ओवरसाइज लेके आए हम। देखिए ये 03 इसका साइज है, तो लगता है ये टाइट हो जाएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं ये सेट के अंदर कौन कौन सा चीज़ दिया है, पहले देख लेते हैं। ये है रिंग 190 का, और ये है पिस्टन पिन। तो और इसके अंदर कौन कौन सा चीज़ है देखिए, इसके अंदर देखिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, और ये है लॉक, ये दोनों लॉक है, और ये ओरिंग है रबर का। तो पहले देख लेंगे इसके अंदर और क्या चीज़ है। देखिए ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर नया RS गोल्ड का है, इसके अंदर भी सही है कुछ। और ये है पिस्टन, पिस्टन हम लोग पहले देख लेंगे इसके अंदर कितना क्लियरेंस है। देखिए यहाँ जब घुसाएंगे तो भी हम लोगों का ऐसे दबाना होगा इस साइड और इस साइड, तो ये लगता है ये एकदम सेम फिटिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ अभी ये इस इंजन में फिटिंग करेंगे, तो जो जो प्रॉब्लम की बात की थी मैं पहले, वो प्रॉब्लम और नहीं रहेगा, तो बहुत अच्छा चलते रहेगा ये इंजन अभी। तो पहले देखना होगा ये जो ओरिंग है, वो ओरिंग सिलेंडर से कितना हाई है या डाउन है। देखिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये ज़्यादा अंदर चला जाएगा तो यहाँ से पानी इंजन बॉडी के अंदर घुसता है, तो ज़्यादा हाई हो जाता है तभी तो भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ जो फिटिंग है वो सही है। तो चलिए पहले देख लेंगे हम इस सिलेंडर को बॉडी के अंदर सही तरह फिट हो रहा है कि नहीं। ये जो बीट है, ये बीट बॉडी से ज़्यादा हाई हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा अंदर घुस जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोगों का देखना होगा ये सिलेंडर का जो बीट है ये कितना हाई या लो हो रहा है, और दूसरी बात है ये सही तरह इंजन के बॉडी में ये सही तरह घुस रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जब प्रॉब्लम आएगा तो ये चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब चीज़ दूसरा वापसी में जाएगा, कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे ये सिलेंडर इंजन के बॉडी में सही तरह घुस रहा है कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। उसके बाद रिंग देखेंगे ये सही तरह मैचिंग हो रहा है कि नहीं। देखिए ये सील है अभी, तो सील हम लोग पहले ये नहीं काटेंगे, तो पहले ये सिलेंडर देख लेंगे उसके बाद ये सील काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बॉडी के अंदर सही तरह घुस रहा है कि नहीं सिलेंडर ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो बीट है, ये बीट को हम लोग देख लेंगे सही तरह बैठ रहा है कि नहीं। हाँ बैठ गया, तो बैठ गया एकदम सही पोजीशन में आया है, कोई बात नहीं है। अभी दूसरी बात देखेंगे ये जो साइड है, ये साइड बॉडी के अंदर
जाता है कि नहीं ये देखना होगा। ये देखिए अभी पता चल जाएगा। हाँ एकदम सही गया। हल्का सा ठोकेंगे। थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा है, तो लगता है इस साइड में जो बॉडी है बॉडी के ऊपर टाइट हो रहा है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो बाहर निकलना होगा। अभी निकल गया तो अभी देखेंगे ये कहाँ टाइट हो रहा है। इस जगह तो सही है, ये चला गया। लगता है इस जो बॉडी है ये बॉडी सही तरह नहीं जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है इस जगह। तो यहाँ थोड़ा घिसना होगा, देखना होगा ये कितना टाइट हो रहा है। तो पहले घिस लेते हैं, इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं ये जाएगा कि नहीं। तो चलिए अभी घिस लिया है इस जगह, तो अभी देखेंगे ये सही तरह जा रहा है कि नहीं। गया, पहले भी इतना ही गया, अभी देखता हूँ। हाँ जा रहा है, ठीक है। देखिए एकदम बॉडी सही तरह सेम फिटिंग हो गई। देखिए यहाँ देखिए तो अच्छी तरह ये देखिए जितना ज़रूरत है उतना ही भी उतना सही है, कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छा फिटिंग हुआ है अभी। तो ये सिलेंडर को बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा टाइट है, इधर से ठोकना होगा। निकल गया, ये निकल गया। तो सिलेंडर को फिटिंग करने के लिए देखिए यहाँ जो ओरिंग है उस ओरिंग को हम लोग फिटिंग कर लेते हैं। ये इस ग्रुप में रहता है। चलिए ये ओरिंग को फिटिंग करते हैं। एक तो चला गया, दूसरी को देना होगा। दूसरी का है ये देखिए, और एक इसको भी फिटिंग करते हैं। चलिए ये देखिए चला गया। इसका जो लेवल है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बॉडी के अंदर ये सिलेंडर को पुश करेंगे। तो चलिए पुश कर लेते हैं, ग्रीस दे देते हैं इसके ऊपर, तो आसानी से चला जाएगा, वो काटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। फिर ये ड्राई फिटिंग करेंगे तो ये काटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हल्का ग्रीस देने से ये आसानी से चला जाएगा, एक नंबर या दो नंबर कोई रिस्क नहीं रहेगा। थोड़ा ग्रीस दे देते हैं बस। चलिए ऐसे ही थोड़ा बॉडी के अंदर देना होगा। चलिए देकर पुश करते हैं। तो चलिए सिलेंडर को हम
बॉडी के अंदर पुश करते हैं, इसके अंदर मोबिल दे दिया है हम, तो चलिए इसके सही पोजिशन में चला गया ड्रोन का। अभी घस गया, थोड़ा टाइट हो रहे हैं वो ओरिंग के लिए, ओरिंग की वजह से। चलिए हम लोग इस हेड में थोड़ा सिलेंडर के ऊपर प्रेशर देंगे तो सही पोजीशन में चले जाएगा वो। बस अभी ये दो नॉट फिटिंग करके यहाँ प्रेशर देना होगा तो सही पोजीशन में वो चला जाएगा। ऐसे प्रेशर देना होगा। प्रेशर देने से वो सही पोजीशन में वो चला जाएगा, जितना ज़रूरी है जाने का उतना बहुत चले वो चला जाएगा। ये देखिए ये चला गया, थोड़ा टाइट देना होगा, जितना जा सके उतना चला जाएगा। बस चला गया, इसको खोल लेते हैं। बस ये देखिए ये एकदम सही पोजीशन में वो चला गया। बस अभी पिस्टन को हम लोग फिटिंग करेंगे।